हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड एंड राइट। फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद द चैप्टर द ओल्ड सी डॉग। दिस इज अ चैप्टर ऑफ इम्प्रेशंस बुक क्लासिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं चैप्टर्स का इन द एक्सप्लेनेशन करके बताती हूँ आप सभी को। तो द ओल्ड सी डॉग एक्सट्रैक्ट है ट्रेजर आइलैंड का। बहुत ही फेमस स्टोरीज होती थी उसकी ट्रेजर आइलैंड की, तो उसी का एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो कि क्लास सिक्स की इम्प्रेशन बुक्स का एक चैप्टर है इम्प्रेशन का। तो आइए विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। द ओल्ड सी डॉग। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये जो एक्सट्रैक्ट है वो ट्रेजर आइलैंड से लिया गया है बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। द स्टोरी इज नरेटेड बाय जिम हॉकिंग्स। ये स्टोरी जो बताई जा रही है वो जिम हॉकिंग्स के द्वारा बताई जा रही है। हुज पेरेंट्स ओन द एडमायरल बेनबो इन जो कि जिसके माँ बाप ने पेरेंट्स ने एक बेनबो इन जिसको कि लॉज आप कह सकते हैं, रहने का एक सराय कह सकते हैं, वो लिया था, उनका एक था। वन डे एन ओल्ड सेलर अराइव्स एट द इन विद अ लार्ज सी चेस्ट। एक दिन वहां पर एक नाविक आता है, अराइव्स एट द इन, इन में उसमें आता है विद अ लार्ज सी चेस्ट एंड डिसाइड्स टू स्टे देयर। और ये निश्चय करता है कि अब उसको यहीं पे रहना है। ही प्लंजेस देम इनटू एडवेंचर्स फुल ऑफ सस्पेंस डेंजर एंड थ्रिल्स। तो फ्रेंड्स, प्लंजेस मीन्स होता है डुबकी या गोता एक तरीके से लगाना। वो अपनी स्टोरीज एडवेंचर्स को सुनाता है वहां पर बैठ करके, तो स्टोरी एक फुल सस्पेंस में बदल जाती है, डेंजर में बदल जाती है, थ्रिल्स में बदल जाती है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ट्रेलनी डॉक्टर लिप्सी एंड अदर जेंटलमैन हैविंग आस्क्ड मी टू राइट डाउन द होल पर्टिकुलर्स अबाउट ट्रेजर आइलैंड। तो ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, स्क्वायर ट्रेलनी डॉक्टर लिप्सी ने मुझे बिट करा, मुझे रिक्वेस्ट करा कि आप इसको जिम हॉकिंग्स के लिए कहा जा रहा है कि उनसे बोला कि आप इस स्टोरी को पूरा अच्छे से राइट करिए, लिखिए इस स्टोरी को, सारे उसके पर्टिकुलर जितने भी उसकी चीज़ें थी सभी कुछ लिखिए, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक क्या हुआ पूरा बताइए। आई टेक अप माई पेन टू डू देयर बिडिंग। और मैंने ये एक पेन लिया कि उनकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी करने के लिए मैंने लिखना शुरू करा। आई गो बैक टू द टाइम व्हेन माय फादर केप्ट द एडमायरल बेनबो इन। फिर मैं दोबारा जब भी हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो कोई स्टोरी पास्ट टेंस में होती है तो मैं पास्ट में ही जाना पड़ता है। आई गो बैक टू द टाइम, तब मुझे उस वक्त पे जाना पड़ा जब ये स्टोरी जहां से शुरू हुई थी, जहां पे मेरे फादर ने एडमायरल बेनबो इन जो कि एक सराय जिसको कि बोलते हैं रहने के लिए लॉज बोलते हैं, जहां पे हम और वहां पे और भी ड्रिंक्स वगैरह मिलती थी सभी के लिए, वहां पे सुविधाएं थी, छोटा सा उनका बेनबो इन था। एंड द ब्राउन ओल्ड सी मैन विद द सेबर कट फर्स्ट टुक अप हिज लॉजिंग अंडर आर रूफ। और तो जो उनका बेनबो इन था वहां पर एक दिन एक नाविक आता है जो कि ब्राउन ओल्ड सीमैन होता है विद द सेबर कट फर्स्ट टुक अप हिज लॉजिंग अंडर आर रूफ। हमारी रूफ जो हमारे बेनबो इन की रूफ थी वहां पे अपना सामान रखता है। आई रिमेम्बर हिम एज इफ इट वर येस्टरडे ही केम प्लॉडिंग टू द इन डोर विद हिज सी चेस्ट। सी चेस्ट होता है एक बड़ा सा बक्सा। तो यहाँ पे जिम हॉकिंग्स कहते हैं कि अगर मैं ये आपको स्टोरी बताऊं कि अगर ये कल की बात है तो ये अगर कल वो आए थे तो ऐसा होता है कि आई रिमेम्बर हिम इट वर इफ एज इफ इट वर येस्टरडे, वो कल की जैसे बात हो। ही केम प्लॉडिंग टू द इन डोर, वो आए थे और प्लॉडिंग वॉकिंग हैविली एज इफ कैरिंग अ बर्डन, जबकि हम तेज चलते हैं और बर्डन के साथ चलते हैं उसको तो प्लॉडिंग कहते हैं, टू द इन डोर विद हिज सी चेस्ट। With his sea chest following behind him in a hand barrow, हाथ गाड़ी जिसको की बोलते हैं, उसका हाथ उस समय हाथ गाड़ी उसमें लगी हुई थी और जो chest उसको बोलते हैं, जो बड़ा सा संदूक होता है उसको chest बोलते हैं। He was a tall, वो लंबा strong heavy nut brown
उसका जो एक अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो कैसा था. ही वॉज अ टॉल स्ट्रॉन्ग हैवी नट ब्राउन मैन, हिज पिक टेल फॉलिंग ओवर द शोल्डर्स. पिक टेल जो लंबी सी चोटी थी वो उसके शोल्डर्स को टच कर रही, तो ऑफ सॉइल्ड ब्लू कोट, जो मिट्टी जिसकी कोट में लगी हुई थी, सॉइल्ड ब्लू कोट, सॉइल मतलब मिट्टी, ब्लू कोट, हिज हैंड रैग्ड एंड स्कैर्ड. रैग्ड थे उसके हैंड, रफ थे और स्कैर्ड थे, बहुत ही स्कार्स थे उसमें. विथ ब्लैक ब्रोकन नेल्स, जिसके हाथ में उसके हाथ के जो नेल्स थे वो टूटे हुए काले थे. एंड द सेबर कट अक्रॉस वन चीक, और एक कट था उसके चीक्स में. अ डर्टी लिविड वाइट, जो कि वाइट कलर का एक बहुत ही गंदा सा एक स्कार नजर आ रहा था. आई रिमेम्बर हिम लुकिंग राउंड द कोव एंड विस्लिंग टू हिमसेल्फ एज ही डिड सो, एंड देन ब्रेकिंग आउट इन दैट ओल्ड सी डॉग, दैट ओल्ड सी सॉन्ग दैट ही सेंग सो ऑफन आफ्टरवर्ड्स. आई रिमेम्बर हिम लुकिंग डाउन द कोव, मुझे याद है कि वो एक छोटी सी पहाड़ी होती है कोव, छोटी सी खाड़ी होती है, और जो वो उसमें वो घूमता रहता था राउंड द कोव, और विस्लिंग टू हिमसेल्फ एज इट इट सो, और सीटी बजाता रहता था. एंड देन ब्रेकिंग आउट इन दैट ओल्ड सी सॉन्ग दैट ही सैंग सो ऑफन आफ्टरवर्ड्स. जो पुराने जो सी के सॉन्ग्स थे वहां पर जो रह करके वो उसने सीखे थे, वो गाता रहता था, जैसे कि जिसमें से एक था 15 मैन ऑन द डेड मैंस चेस्ट, यो हो एंड अ बॉटल ऑफ रम. इस टाइप के वो सॉन्ग्स गाता रहता था. ही सैंग इट इन द हाई ओल्ड टॉटरिंग वॉइस, वो इस गीत को बहुत ही तेज ऊंची आवाज में और लड़खड़ाती हुई आवाज में, टॉटरिंग होता है अनस्टेडी, जो लड़खड़ाती हुई वॉइस होती है, दैट सीम टू हैव बीन ट्यून्ड एंड ब्रोकन एट द कैपस्टेंस बार. अ कैपस्टेंस होता है हैवी सिलेंडर ऑफ वुड और आयरन फिक्स्ड अपराइट ऑन द डेक ऑफ अ शिप यूज फॉर वाइंडिंग रोप. ऐसा लगता है कि टकरा के उस बार से लौट रही है उसकी आवाज, उसकी कर्कश ध्वनि जिस तरीके से हम कह सकते हैं. देन ही रैप्ड ऑन द डोर विद अ बिट ऑफ स्टिक दैट ही कैरीड, हमेशा वो एक स्टिक लिए रहता था. एंड व्हेन माय फादर अपियर्ड कॉल्ड रफली फॉर अ ग्लास ऑफ रम, और जैसे ही मेरे पिताजी, मेरे फादर ने एंट्री करी, एंटर हुए, तो वो बहुत ही रफ तरीके से, बहुत ही बुरे मैनर के साथ उनसे एक ग्लास रम लाने के लिए बोलता है. दिस ही ड्रैंक स्लोली लाइक अ कोनोनिश्योर, लिंगरिंग ऑन द टेस एंड लुकिंग अबाउट हिम एट द क्लिफ्स एंड अप एट अ साइन बोर्ड. कोनोनिश्योर मीन्स यहां पर होता है कि मीन्स होता है एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, कि जैसे कि वो बहुत भी एक एक्सपर्ट जज हो और हर चीज को एनालाइज कर रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो बैठ करके, इस तरीके का वो बिहेव करता था. लिंगरिंग ऑन द टेज एंड लुकिंग अबाउट हिम एट द क्लिफ्स एंड अब द साइन बोर्ड, साइन बोर्ड की तरफ भी देखता रहता था. क्लिफ्स होता था टीला, जिसको बोल सकते हैं चट्टान होती है उसको क्लिफ बोलते हैं. दिस इज अ हैंडी कोव सेट ही एट लेंथ एंड अ प्लेजेंट ग्रॉक शॉप, डू यू हैव मच कंपनी मेट. दिस इज अ हैंडी कोव, कोव मीन्स है यहाँ पर छोटी खाड़ी. सेट ही एट लेंथ, वो बोलता है एंड एंड अ प्लेजेंट ग्रॉक शॉप, यहाँ ये एक मतलब वो तारीफ कर रहा होता है कि ग्रॉक शॉप है ये, यहाँ पर अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है उसको ग्रॉक शॉप बोलते हैं. डू यू हैव मच कंपनी, आप क्या आपके पास इस तरीके से वो एड्रेस नहीं कर रहा था, क्या तुम्हारे पास, बहुत ही मतलब रूडली बात कर रहा था, तो क्या तुम्हारे पास इतनी ही कंपनी, इतने ही लोग हैं यहाँ पर जितने की दिखाई पड़ रहे हैं. माई फादर टोल्ड हिम नो, वी हैड वेरी लिटिल कंपनी विच वॉज अ पिटी. मेरे फादर ने बोला कि मेरे पास बहुत ही कम लोगों की कंपनी, बहुत ही कम जो कस्टमर्स वहां पे आते थे, लोग वहां पे आते थे, विच वॉज अ पिटी, जो कि दयनीय है. वेल देन ही सेड वेल दिस इज अ प्लेस फॉर मी, ये मेरे लिए एक जगह है. हेयर यू मेटी, ही क्राइड टू द मैन हु ट्रंडल द बैरो, ब्रिंग अप माई चेस्ट. उसने किसी मैटी जैसे साथ ही किसी को, हम जब रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो किसी से को बुलाना होता है तो
कोई अजनबी है उसको बोलना है, तो मैटी उसने वहां पे किसी को बुलाने के लिए किसी अनजान को बोला था कि मेरा जो सामान है, मेरा जो बैरो है वो लेकर के आओ। हु ट्रंडल्ड उसके हाथ गाड़ी में, जो ट्रंडल्ड होता रोल्ड आउट, हाथ गाड़ी के ऊपर जो संदूक रखा था उसको तुम लेकर के आओ। रोल्ड आउट ट्रंडल्ड मीन्स होता है जब वो चलेगा तो अपने आप उसके पहिए चलेंगे, तो रोल्ड आउट वो होकर के चलता चला आएगा। ब्रिंग अप माई चेस्ट, आई विल स्टे हियर अ बिट, मैं यहाँ पे कुछ देर रुकूंगा। टर्निंग टू माई फादर ही कंटिन्यूड, आई एम अ प्लेन मैन, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। टर्निंग टू माई फादर, मेरे फादर की ओर देखते हुए वो बोला, एंड मीट एंड एग्स इज वॉट आई वॉन्ट, मीट मैं खाता हूँ और एग्स जो मुझे चाहिए। एंड दैट हेड अप देयर टू वॉच फॉर शिप्स, और अपना सर उठा करके वो हमेशा शिप्स की तरफ देखता था। यू आर एट एंड ही थ्रू डाउन थ्री ऑफ फोल्ड गोल्ड पीसेस ऑन द थ्रेश होल्ड, फिर उसने तीन चार सोने के सिक्के निकाल के थ्रेश होल्ड पर रख दिए, जो दहलीज होती है जो कि काउंटर टॉप होता है वहां पे रख दिए। यू कैन टेल मी व्हेन आई हैव यूज्ड अप दैट मनी, सेड ही लुकिंग अप एज फियर्स एज अ कमांडर, और उसको कह रहा था कि मैं ये कब यूज कर पाऊंगा तुम मुझे बताओ। और इतना जैसे एक फियर कमांडर के अंदर होता है डर होता है, वैसे ही वो बिहेव कर रहा था। एंड इंडीड दो हिज क्लॉथ्स वर बैड एंड ही स्पोक कर्सली, और वो बुरी तरीके से उसकी आवाज थी, बुरी तरीके से बोल रहा था। कर्सली ही हैड नन ऑफ द अपियरेंस ऑफ अ मैन हु वाज ऑर्डिनरी सेलर, उसका अपियरेंस उसका बर्ताव तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक आम नाविक है। ही सीम्ड मोर लाइक अ मेट और स्किपर अकस्टम टू बींग ओबेड, वो एक तरीके का ऐसा स्किपर लग रहा था जो कि लूटपाट मचाते हैं किसी की, वो अकस्टम टू बींग ओबेड, वो किसी का आदर नहीं करता था। द मैन हु केम विद द बैरो टोल्ड अस दैट ही हैड कम प्रीवियस मॉर्निंग, वो एक सुबह पहले ही आया है, जो कि जिसके हाथ में बैरो था वो उस आदमी ने बताया कि वो एक सुबह पहले ही आया। एंड दैट ही हैड इंक्वायर्ड व्हाट इन्स देयर वर अलोंग द कोस्ट, उसने फिर इंक्वायरी करी कि कहाँ पर, यहाँ पर कोई आसपास में, वो क्योंकि वो एक सुबह पहले आया तो उसको स्टे करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो उसने फिर आसपास पता करा तो उसको पता चला कि यहाँ पर एक इन है। देयर वर अलोंग द कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे, हियरिंग दैट आर्स वॉज लोनली एंड वेल स्पोकन ऑफ ही हैड चूजन इट फॉर हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उसने ये सुनने के बाद उस प्लेस को चूज करा अपने रहने के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए। एंड दैट वॉज ऑल वी कुड लर्न फ्रॉम आवर गेस्ट, और यही सब कुछ जो था कि हमने अपने एक अतिथि के साथ उससे हम लोगों ने सीखा था। ही वॉज अ वेरी साइलेंट मैन बाय कस्टम, वो आदत से हैबिट से बिल्कुल भी बिल्कुल साइलेंट मैन था। ऑल डे ही हंग राउंड द कोव और अपॉन द क्लिफ्स, वो पूरे दिन बस क्लिफ्स जो होती है टीले चट्टान और कोव होती है जो खाड़ी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें ही घूमता रहता था। मतलब एक तरीके से हंग राउंड मतलब टंगा रहता था। विद अ ब्रास टेलीस्कोप, ब्रास का एक उसके पास टेलीस्कोप था। ऑल इवनिंग ही सेट इन अ कॉर्नर ऑफ द पार्लर नेक्स्ट टू द फायर एंड ड्रैंक रम एंड वॉटर, और वो जो पार्लर था उनका, जो उसमें पार्लर में जहाँ पे ड्रिंक्स भी मिलती थी, जो कि जहाँ पे वो रह रहा था वो उसी को वो पार्लर यहाँ पे बोला जा रहा है, कॉर्नर ऑफ द पार्लर, एक कॉर्नर में बैठा रहता था नेक्स्ट टू द फायर जहाँ पे आग जलती थी। एंड ड्रैंक रम एंड वॉटर, मोस्टली हमेशा वो रम पीता था, मोस्टली रम एंड वॉटर। ही वुड नॉट स्पीक व्हेन स्पोकन टू, ओनली लुक अप विद अ सडन एंड फियर्स एक्सप्रेशन, जब भी उसे बात की जाती थी वो बातचीत नहीं करता था, और सिर्फ एक फियर्स एक्सप्रेशन होता है जो एक उसके साथ एक डरावने एक्सप्रेशन के साथ घूरता था देखता था। एंड ब्लो थ्रू हिज नोज लाइक अ फॉग हॉर्न, और अपनी अजीब सा जो उसका चेहरा था, फॉग हॉर्न, फॉग ऑन मीन्स डीप, सून वी एंड द पीपुल हु केम टू अवर इन लर्न टू लेट हिम बी, बहुत जल्दी जो हमारे इन के अंदर आते थे, इन जो कि उनका
लॉज एक तरीके से आप बोल दीजिए, वहां पे जहाँ पे वो रुका हुआ था जिम हॉकिंग्स के फादर का था, जो कि मैं आपको बता दूं, तो वो वहां पर जल्दी लोगों ने उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उससे बात करनी है सीख लिया था। एवरी डे व्हेन ही केम बैक फ्रॉम दिस स्ट्रॉल, वो जब भी वॉक से लौट कर वो एक प्रतिदिन एक स्ट्रॉल के लिए जाता था। स्ट्रॉल मीन्स वॉक होता है, वॉक के लिए जाता था। जैसे ही वो वॉक से वापस आता था, ही वुड आस्क इफ एनी सी फेयरिंग मैन हैड गॉन बाय द रोड, और वो पूछता था कि सी फेयरिंग मतलब होता है जो समुद्री फेयर जो होता है, किराया होता है, वैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर आया था। मैन हैड गॉन बाय द रोड, कोई यहाँ गॉन बाय द रोड, रोड से गया था। एट फर्स्ट वी थॉट ही मिस द कंपनी ऑफ इज ओन काइंड, पहले हम लोगों को लगा कि जिम हॉकिंग्स यहाँ पे बता रहे हैं कि पहले ऐसा लगा कि उसने अपने किसी कंपनी को, जैसे अपने किसी साथी को, कैसे किसी को मिस कर दिया है। तो ये बार बार वो क्वेश्चन करता है, एंड सो ही आस्क दिस क्वेश्चन, बट एट लास्ट वी बिगेन टू सी दैट ही वॉज डिजायरस ऑफ अवॉइडिंग देम, और बाद में ऐसा लगा कि उसकी विश है कि उसको अवॉइड करना है, क्योंकि बार बार उसको यही क्वेश्चन वो रिपीट करता था, पूछता था। जैसे हम किसी से कभी डरते हैं, उसका डर एक बना रहता है, तो हम उसके बारे में बार बार पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं हो गया, कैसा तो नहीं हुआ कि वो आया था तो चला गया, या आप मुझे पूछा हो। तो ऐसा ही एक डर उसके मन में भी था, एक विश थी कि वो यहाँ पे ना आए। वेन अ सी मैन पुट अप एट द एडमायरल बेनबो, जब सी मैन वहां पे आया, ही वुड लुक एट हिम थ्रू द कर्टेन डोर बिफोर ही एंटर्ड द पार्लर। जब भी वो वहां पे आता था तो वो कर्टेन, जो डोर में कर्टेन लगे होते हैं, कर्टेन डोर बिफोर एंटर द पार्लर, वो एंटर होते समय पहले एक पीपिंग कर लेता था, झांक लेता था पार्लर में, कि जो वो जिसको जानता है या जिससे उसको डर है वो वहां पर तो नहीं है। देन ही एंटर द पार्लर एज एंड ही वॉज ऑलवेज श्योर टू बी एज साइलेंट एज अ माउस वेन एनी फेयरर वॉज प्रेजेंट, और वो ऐसा प्रिटेंड करता था कि अगर वहां पर कोई ऐसा फेयरर किराए वाला, जो समुद्री किराएदार है, अगर वहां पर होगा तो वो बिल्कुल एक चूहे के समान साइलेंट हो जाएगा। फॉर मी एट लीस्ट देयर वॉज नो सीक्रेट अबाउट द मैटर, जिम हॉकिंग कहते हैं मेरे लिए अब ये कोई सीक्रेट नहीं था। फॉर आई न्यू व्हाट मेड हिम सो टेंस, मुझे पता चल चुका था कि कौन सी बात इसको बहुत ज्यादा टेंस करती है, परेशान करती है। ही हैड टेकन मी असाइड वन डे, एक दिन वो मुझे, जिम हॉकिंग्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक दिन वो मुझे एक किनारे ले गया, टेक मी असाइड वन डे एंड प्रोमिस मी अ सिल्वर 4 पेनी ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, और मुझसे प्रॉमिस करा कि मैं तुमको हमेशा हर महीने 4 पेनी दिया करूंगा, जो कि बाहर की करेंसी होती है। इफ आई वुड वॉच आउट फॉर अ सी फेयरिंग मैन, और अगर मैं किसी सी फेयरिंग मैन को, फेयर होता है किराया, समुद्री किराया, सी फेयरिंग मैन विद वन लेग, अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को दिन भर देखता रहूंगा, एंड लेट हिम नो द मोमेंट ही अपियर्ड, और अगर वो आ गया है तो उसके बारे में तुरंत ही मैं उसको बता दूंगा। इस काम के लिए जिम हॉकिंग्स को वो रखना चाहता था, जिसके लिए वो उसको 4 पेनी मंथली देगा, देना चाहता था या देगा, जैसा कि स्टोरी में है। तो हाउ दैट वन लेग पर्सनेज हॉन्टेड माई ड्रीम्स, किस तरीके से एक पैर वाला इंसान मेरे ड्रीम्स को, मेरे सपनों को चुरा सकता है। ऑन स्टॉर्मी नाइट्स, तूफानी रातें, व्हेन द विंड शुक द 4 कॉर्नर्स ऑफ द हाउस एंड द सर्फ रोड अलोंग द कोव एंड अप द क्लिफ्स, तूफानी रातों में जिस तरीके से विंड, हवाएं चलती हैं, हाउस एंड द सर्फ रोड अलोंग द कोव एंड अप द क्लिफ्स, खाड़ी में, चट्टानों में जिस तरीके से एक फोम आ जाता है, एक स्प्लैश आ जाता है साउंड का, ऑफ ब्रेकिंग वेव्स, आई वुड सी हिम इन 1000 फॉर्म्स, मैं उसको 1000 हजारों रूप में उस आदमी को देखता था, जैसे कि वो, जैसा कि उसने बताया था उसको सी फेयर पर्सन के बारे में, ओल्ड सी डॉग ने।
एंड विद अ थाउजेंड डायबॉलिकल एक्सप्रेशंस. डायबॉलिकल मीन्स वेरी विग. विद अ थाउजेंड डायबॉलिकल विग्ड एक्सप्रेशन समटाइम्स आई इमेजिन द लेग कट ऑफ एट द नी. कभी कभी लगता था कि पैर कटा हुआ है मेरा. समटाइम्स एट द हिप. समटाइम्स ही वॉज मॉन्स्टर्स काइंड ऑफ अ क्रिएचर. मॉन्स्टर है कोई ऐसा क्रिएचर है मुझे हमेशा डराता था. जो हु हैड बट वन लेग इन द मिडल ऑफ हिज बॉडी. जिसका सिर्फ एक पैर है पूरी बॉडी में. टू सी हिम लीप एंड रन एंड परस्यू मी ओवर हैज एंड डिच वॉज द वर्स्ट ऑफ नाइट मेयर्स. जो कि मेरे ऊपर कूद रहा है दौड़ रहा है मुझे मेरा पीछा कर रहा है इस तरीके के नाइट मेयर्स. उसको स्वप्न सपने आते थे. एंड ऑल टुगेदर आई पेड प्रिटी डियरली फॉर माई मंथली 4 पेनी पीस एज आई वॉज हॉन्टेड बाई फियर. उसको लेकिन मंथली 4 पेनी मिलेगा लेकिन उसको उस डर से गुजरना पड़ेगा. एज आई वॉज हॉन्टेड बाई फियर बट दो आई वॉज सो टेरिफाइड बाई द आइडिया ऑफ द सी फेयरिंग मैन विद वन लेग. लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था इस आइडिया के साथ. उसने मुझे बहुत डरा दिया था. टेरिफाइड बाय द आइडिया ऑफ सी फेयरिंग मैन विद द वन लेग. आई वॉज फार लेस अफ्रेड ऑफ द कैप्टन हिमसेल्फ देन एनीबडी एल्स हु न्यू हिम. देयर वर नाइट्स वेन ही ड्रैंक टू मच. कुछ रातें ऐसी होती थी कोई भी और ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि वन लेग वाले आदमी को जानता हो. और देयर वर नाइट्स जो कि कैप्टन जो था वहां का वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता था. एंड ही वुड समटाइम्स सिट एंड सिंग हिज ओल्ड वाइल्ड सी सॉन्ग्स. और वो बैठता था और अपने सी के सॉन्ग्स गाता था. ओल्ड सी सॉन्ग्स माइंडिंग नो बडी. वो किसी का भी ध्यान नहीं रखता था कि कोई भी बैठा है या नहीं बैठा है. बट समटाइम्स ही वुड कॉल फॉर अ ग्लासेस एंड फोर्स ऑल द ट्रेवलिंग कंपनी टू लिसन हिज स्टोरीज और ज्वाइन हिज सॉन्ग्स. लेकिन वो सबको डराता था. ग्लासेस लाओ. ही वुड कॉल फॉर अ ग्लासेस कि मेरे लिए ग्लास लाओ. और सबको ट्रेवलिंग कंपनी जितने भी लोग होते तो उसकी कंपनी बना लेता था अपनी कि मेरी स्टोरीज सुनो मेरे गाने सुनो. ऑफन आई हैव हर्ड द हाउस शेकिंग विद यो हो एंड अ बॉटल ऑफ रम. जिसमें कि मैंने भी कहानियां उसकी सुनी थी. ऑल द नेबर्स ज्वाइनिंग इन विद द फियर ऑफ डेथ अपॉन देम एंड ईच सिंगिंग लाउडर देन द अदर टू अवॉइड रिमार्क. जो कि नेबर्स थे जो कि ज्वाइन करते थे जितने भी लोग वहां पे रहते थे तो उसको ज्वाइन करते थे डर की वजह से. और जितना तेज वो गाता था उससे ज्यादा तेज वो गाते थे क्योंकि वो जो रिमार्क्स होते थे डर वाले उनको खत्म करने के लिए. अवॉइड रिमार्क एट सच टाइम्स ही वॉज द मोस्ट ओवर बियरिंग कंपेनियन. उस समय वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग बहुत ही ओवर बियरिंग जिसको सहन करना सहनीय जिसको कहते हैं कंपेनियन हो जाता था. एवर नोन ही वुड स्लैप हिज हैंड ऑन द टेबल फॉर साइलेंस ऑल राउंड. अगर वो साइलेंस देखता था तो वो टेबल में अपने हैंड्स को स्लैप करता था. जैसे कि ऐसे ताली बजाना होता है एक टेबल में ताली बजाना होता है वो करता था. ही वुड फ्लाई अप इन अ पैशन ऑफ एंगर एट अ क्वेश्चन. वो अपने जुनून में अपने गुस्से के आगे किसी की भी बात नहीं सुनता था. और समटाइम्स सिंपली बिकॉज ही थॉट द कंपनी वॉज नॉट फॉलोइंग द स्टोरी. उसको ऐसा लगता था कि जो भी वहां पे पर्सन है जो भी उसकी कंपनी है वो उसकी स्टोरीज को ध्यान नहीं दे रही उसकी स्टोरी को फॉलो नहीं कर रही सुन नहीं रही है. एंड इवन टू लीव द इन टिल ही हैड ड्रंक हिमसेल्फ टू स्लीप. जो भी वहां से जाना चाहता था वो तभी जा पाता जबकि वो ड्रिंक करके ओल्ड सी डॉग सो जाता था. हिज स्टोरीज वर वॉट फ्राइटेंड पीपुल मोस्ट ऑफ ऑल. सभी को डराती थी. ड्रेडफुल स्टोरीज दे वर अबाउट हैंगिंग्स एंड स्टॉर्म्स एट द सी. जो तूफान आते थे सी में इस तरीके के एडवेंचरस स्टोरीज वो सुनाया करता था. एंड वाइल्ड डीड्स एंड प्लेसेस ऑन द स्पैनिश मेन बाय हिज ओन अकाउंट ही मस्ट हैव लिव्ड हिज लाइफ अमंग सम ऑफ द विटेस्ट मैन दैट गॉड एवर अलाउड अपॉन द सी. एंड द वे इन विच शी टोल्ड दी स्टोरी शॉक्ड द प्लेन कंट्री पीपुल ऑलमोस्ट एज मच एज द क्राइम्स दैट ही डिस्क्राइब. ऐसा लगता था कि सारा क्राइम जो कि वो बता रहा है हम लोग तो उसके आगे साधारण पर्सन है साधारण पीपल्स हैं. और सभी क्राइम्स वो जो था सी में ही होता था. गॉड एवर अलाउड अपॉन द सी. माई फादर वॉज ऑलवेज सेइंग दैट द इन वुड बी रूइंड. उसका आना हमारी बर्बादी का कारण
कारण है फॉर पीपल वुड सून सीज कमिंग देयर बिकॉज ऑफ द कैप्टन्स बुलिंग बिहेवियर. लोगों ने बहुत जल्दी वहां आना बंद कर दिया. सीज होता है समाप्त करना, और बुलिंग बिहेवियर होता है डराना धमकाने वाला जो बिहेवियर होता है, उसकी वजह से लोगों ने वहां पर आना बंद कर दिया था. बट आई रियली बिलीव द कैप्टन प्रेजेंस डिड अस गुड. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जो कैप्टन है वो उसकी प्रेजेंस, उसका वहां पर होना हमारे लिए अच्छा है. पीपल वर फ्राइटेंड एट द टाइम, उस समय लोग वहां पर डरे रहते थे, बट ऑन लुकिंग बैक दे थॉट इट अ फाइन एक्साइटमेंट इन अ क्वाइट एंड डल कंट्री लाइफ. और लोगों को एक एक्साइटमेंट, एक नया एक्साइटमेंट उनके उसमें आ गया था जीवन में, जो कि डल लाइफ में एक एक्साइटमेंट, एक रोमांच भर गया था. एंड देयर वॉज इवन अ पार्टी ऑफ यंगर मैन हु प्रिटेंडेड टू एडमायर हिम, कॉलिंग हिम अ ट्रू सी डॉग. बहुत से लोग उसको ट्रू सी डॉग बोलते थे, एंड अ रियल ओल्ड सॉट, पुराना नमक जिसको बोलते हैं ओल्ड सी डॉग, एंड सच अदर नेम्स. उसके कई नाम लोगों ने रख दिए थे, जो कि इन्हीं नामों से वो लोग बुलाते थे. दे सेड ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ मैन हु वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. उस तरीके का वो व्यक्ति जो किसी भी चीज से डरता नहीं है. इन अ वे इन डीड ही ऑलमोस्ट रियोन्ड अस, फॉर ही केप्ट ऑन स्टेइंग वीक आफ्टर वीक. इस तरीके से तो वो हमें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने वहां पे स्टे कर रहा था. द कैप्टन्स मनी हैड बीन यूज अप लॉन्ग एगो. उसकी जो कैप्टन की जो का जो पैसा था वो बहुत टाइम से यूज हो रहा था. बट स्टिल माई फादर नेवर प्लग अप द करेज टू इंसिस्ट ऑन हैविंग मोर. लेकिन मेरे फादर बुरी तरीके से फंसे हुए थे. प्लग्ड अप द करेज टू इंसिस्ट हैविंग मोर. और उनको ज्यादा की चाह भी नहीं थी. इफ ही एवर मेंशन इट, द कैप्टन ब्लू थ्रू इज नो सो लाउडली दैट यू माइट से ही रॉड. अगर वो बोलता था तो ऐसा लगता था कि वो भयानक दहाड़ रहा है. बोलना और दहाड़ने के समान था. एंड स्टेड एट माई पुअर फादर सो एंग्री. और मेरे पिता को बहुत ही गुस्से में घूरता था. दैट ही हैड टू लीव द रूम. आई हैव सीन माई फादर्स रिंग रिंगिंग हिज हैंड्स आफ्टर सच इंसिडेंट्स. मैंने अपने पिता को इसी तरीके से डरते कांपते हुए देखा है, ऐसी जो इंसिडेंट्स हो जाती थी. एंड आई एम श्योर द अनोयंस एंड टेरर ही लिव्ड इन मस्ट हैव हैस्टेंड हिज डेथ. जो इस तरीके का टेरर है जो कि उसने पैदा कर दिया था, वो उनकी बीमारी का, उनकी मृत्यु का कारण बना. ड्यूरिंग द टाइम ही लिव्ड विद अस, उस समय जब हमारे साथ रह रहा था, द कैप्टन मेड नो चेंज वॉट एवर इन हिज ड्रेस. उसने अपनी ड्रेसअप में किसी में भी चीजों में कोई भी बदलाव नहीं लाया. आई रिमेम्बर द अपियरेंस ऑफ इस कोट. मुझे याद है कि उसका अपियरेंस कैसा था कोट का. विच ही पैच्ड हिमसेल्फ अपस्टेयर्स इन हिज रूम, जो कि अपस्टेयर्स के रूम में वो रखता था. आफ्टर सम टाइम इट वॉज नथिंग बट पैचेस. थोड़े समय के बाद उसमें कुछ भी नहीं रह गया था, सिर्फ पैचेस रह गए थे. ही नेवर रोट ऑन रिसीव्ड अ लेटर एंड ही नेवर स्पोक विद एनी वन. वो कभी कुछ लिखता नहीं था, किसी को लेटर नहीं लिखता था, किसी को लेटर लेता नहीं था, किसी से बात भी नहीं करता था. बट द नेबर्स हु वॉज स्ट्रेंज मैन इन डीड एंड नो वन डेयर टू इंटरफेयर विद हिम. और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उससे जा करके बात कर पाए. ही वॉज क्रॉस्ड ओनली वंस. डॉक्टर लिप्सी हैड कम टू सी माई फादर हु वॉज एलिंग. जब मेरे सिर्फ डॉक्टर लिप्सी एक ऐसे पर्सन थे जो कि उससे बातचीत कर सकते थे, क्योंकि उस समय मेरे फादर बीमार पड़ गए थे. एलिंग मीन्स होता है बीमार हो जाना. वाइल द डॉक्टर वॉज सिटिंग इन द पार्लर स्मोकिंग अ पाइप. जब मेरे जो डॉक्टर थे, उनके फैमिली डॉक्टर थे लिप्सी, वो मेरे फादर को देखने आए थे, स्मोकिंग कर रहे थे, स्मोकिंग अ पाइप. द फिल्थी स्केयर्स क्रो ऑफ पीरियड बिगेन टू सिंग हिज फेवरेट सॉन्ग. तभी उस ओल्ड सी डॉग ने, जो कि कैप्टन था, गाना गाना शुरू कर दिया. उसका फेवरेट था 15 मैन ऑन द डेड मैनस चेस्ट. दिस डिड नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द डॉक्टर. इस गाने ने, उसको लग रहा था कि ये कोई नया पर्सन आया है तो मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो उसको लगेगा वो मुझसे डरेगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. उसके इस बिहेवियर का डॉक्टर पे कोई भी असर नहीं हुआ. हु वॉज टॉकिंग टू टेलर द गार्डनर. द कैप्टन वॉज नॉट यूज टू दिस. सडनली द कैप्टन येल्ड आउट विद एन ओथ. साइलेंस देयर. जब इन सब बातों का डॉक्टर पे वो अपनी बातें कर रहे थे, अब नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, तब उनको कोई भी असर नहीं हो रहा था. तब वो जो कैप्टन था, जो सी डॉग था, वो चिल्लाया
उसको लगा कि मेरी बेइज्जती है कि मैं तो इतना यहाँ पर शोर शराबा कर रहा हूँ, अनाउंस फैला रहा हूँ, नॉनसेंस क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो चिल्लाया कि साइलेंस देयर, यहाँ पे शांति रखो। वे आर यू एड्रेसिंग मी सर, वर यू एड्रेसिंग मी सर, सेड द डॉक्टर ने बोला कि क्या आप मुझे संबोधित कर रहे हैं, क्या आप मुझसे कहना चाहते हैं कुछ। When the captain told him that it was so, the doctor replied calmly, "I have only one thing to say to you, sir." इन सब बातों का डॉक्टर ने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया कि उन्होंने बोला उस कैप्टन से कि मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ दैट इफ यू कीप ऑन ड्रिंकिंग रम, द वर्ल्ड विल सून बी क्विट ऑफ अ वेरी डर्टी रूफियन। तो अगर आप इसी तरीके से पीते रहेंगे, अगर आपने क्विट नहीं करा, छोड़ा नहीं है, ड्रिंक करना आपने नहीं छोड़ा, तो बहुत ही जल्दी ये संसार एक रफियन मीन्स होता है हु हैज नो रिस्पेक्ट, ऐसे व्यक्ति से फ्री हो जाएगी ये जो है वर्ल्ड हमारा, कि आप जिंदा ही नहीं रहेंगे आप ड्रिंक करने के लिए, तो आप इस तरीके का अनोयंस कैसे फैला पाएंगे। बिफोर लीविंग द डॉक्टर थ्रेटन टू कीप एन आई ऑन द कैप्टन, द डॉक्टर वॉज मैजिस्ट्रेट एज वेल एंड सेड दैट इफ ही एवर हर्ड एनी कंप्लेंट ही वुड हैव द कैप्टन हंटेड हंटेड डाउन एंड रूटेड आउट ऑफ दिस प्लेस। और वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट भी थे, जज भी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट दोबारा मिली या इस रूट से, इस एरिया से अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट आई, तो मैं आपको, आई विल रूटेड यू आउट ऑफ दिस प्लेस, मैं आपको इस जगह से बाहर निकाल दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। द डॉक्टर देन रोड अवे, डॉक्टर राइड करके चले गए अपनी कार से। बट टू आर सरप्राइज द कैप्टन हेल्ड दिस पीस दैट इवनिंग, लेकिन बहुत ही सरप्राइज हुए लोग कि वो जो कैप्टन था, जो कि हमेशा चिल्लाता था, हमेशा गुस्से में रहता था, लोगों से ठीक तरीके से पेश नहीं आता, तो उस दिन बहुत ही पीसफुली बिहेव कर रहा था, बहुत ही शांत था उस शाम को। एंड फॉर मेनी इवनिंग्स टू कम, और आने वाली कई शामों तक, काफी दिनों तक, अ चेंज हैड कम ओवर द ओल्ड सी डॉग। ये सब बातें सुनने के बाद, उस मजिस्ट्रेट की, डॉक्टर की बात सुनने के बाद, उसके अंदर बहुत ही गहरा बदलाव आया था और वो अब पूरी तरीके से चेंज हो गया था। अ चेंज हैड कम ओवर द ओल्ड सी डॉग, आरएल स्टीवेंशन। फॉर एनी डाउट्स, तो फ्रेंड्स दिस इज अ चैप्टर, एंड फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज रिलेटेड टू द चैप्टर डॉट काइंडली मैसेज योर प्रॉब्लम्स ऑन द चैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।